हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन प्लास्टिड की आपको पार्ट वन देखना है तो चैनल पर क्लिक करें पार्ट वन देखेंगे तभी आपको पार्ट टू समझ में आएगा सो लेट्स प्रोसीड्स पे जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है सोलार एनर्जी पे एंड यूटिलाइज करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लू फूड सर ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स मीन सेल्फ फीडिंग एंड ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का इन क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स द नेक्स्ट इज अ प्रोप्लास्ट आर पॉलीमार्फिक दे हैविंग वेरियस साइज एंड शेप इन अ ल्यूज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन मिजोफिल सेल मतलब ल्यूज में जो मिजोफिल सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट आर एक्चुअली साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट हैविंग अ डबल मेम्ब्रेन एनवलप कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। इच मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर मतलब क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है और ये टू मेम्ब्रेन्स होती है ये जो आप देख रहे हो ये इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन ये ये वाली आउटर मेम्ब्रेन सो फर्स्ट हम देखेंगे इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज हाईली स्पेशलाइज्ड विथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मतलब कि ये सिर्फ प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है स्पेशलाइज्ड विथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिस इज अ आउटर मेमरेन आउटर मेमरेन इज अ परमीएबल इज मोस्ट आयन एंड मेटाबोलाइट्स आउटर मेमरेन इज अ परमीएबल परमीएबल मीन्स वो किसी भी प्रोटीन को अंदर नहीं जाने देती वो आयन मोस्टली वो आयन और मेटाबोलाइट्स को ही जाने देती है परमिएबल मीन्स दिलेक्टिव सिलेक्टिव मतलब वो सिलेक्ट करती है बिटवीन इनर एंड आउटर मेमरेन अ गैप ऑफ टेन टू ट्वेंटी नैनोमीटर कॉल्ड इंटर मेमरेन स्पेस मतलब आउटर मेमरेन और इनर मेमरेन में ये जो गैप होता है उसे हम इंटर मेमरेन स्पेस कहते हैं इंटर मेमरेन स्पेस स्पेस का मतलब जगह so the next point is the stroma chloroplast is externally covered by a double membrane of lipoprotein enclosing homogeneous mixture it's called stroma homogeneous mixture homogeneous mixture

एंड सेल्फ डुप्लीकेटिंग एटोनोमस लिविंग सेल ऑर्गन इससे खुद का डी एन ए और आर एन ए होता है वो और वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग करती है ये सेल और इट कंटेन ऑल्सो रुबिसको रुबिसको आर फंक्शन एज अ वो दो फंक्शंस करता है जनरली फर्स्ट इज द कार्बोक्लेस मतलब एडिशन ऑफ सीओ टू और ऑक्सीजनेस एडिशन ऑफ पोटू इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अब ये रूबिस को जो है वो आपको डिटेल में फोटोसिंथेसिस में ही समझ में आएगा और इसको ना सिंगल साइट ऑफ एक्टिवेशन होता है मतलब कि ये जो सेल है उस रूबिस को है इसे ये एंजाइम एक्ट अटैच होता है तो वो साइट सिंगल होती है वन साइट ऑफ एक्टिवेशन होता है ये सब कंटेंट स्ट्रोमा के अंदर होते सो so, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ग्रैना अकॉर्डिंग टू कॉन्टाजोम थेरी इट इज मेड अप ऑफ टू 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 हंड्रेड डिस्ट शेप्ड मेमरेन सैक कॉल्ड थैलाकॉइड ग्रैना कंटेनिंग थैलाकॉइड पीएस एस First and PS second. PS first means photosystem first and photosystem second. Also called in cytochrome B6F. Photosystem first and photosystem second they are take part in photosynthesis. एंड ऑल्सो साइटोक्रोम बी सिक्स ए आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटो और नेक्स्ट uh, हम बात करेंगे थैलाकॉइड की जो ग्राना में प्रेजेंट होता है तो ये जो देख रहे हैं ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इसको थैलाकॉइड बोलते हैं थालाकोइड्स सो दिस आर प्रेजेंट इन ग्रैना सो द नेक्स्ट हम इस एक डिस्क को जूम करके देखते मतलब ग्रैना को जूम करके देखते हैं ये जो है ये थैलाकॉइड है ये वन सेल है थैलाकॉइड लाइब्रेरी में हम बुक्स रखते हैं एक के एक ऊपर वैसे ही ये एक के ऊपर एक सेल होती है सो so, हम नेक्स्ट देखेंगे कि थैलाकॉइड का फॉर्मेशन कैसा होता है सो लेट अस सी। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन। सो जब इनर मेम्ब्रेन को प्रोटीन इंटरैक्ट करेगा प्रोटीन आर इंटरैक्ट मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर और ये क्या फॉर्म करेगा मतलब एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एंड दिस फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर थोड़ी देर में सिकल का रूप ले लेगा मतलब वो प्रोटीन जब इंटरैक्ट करेगा इनर मेम्ब्रेन को तब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होगा और वो उसी फोल्डिंग से थैलाकॉइड फॉर्मेशन होगा सो दिस वन द थैलाकॉइड आर फॉर्म दिस फिगर इज वेसिकल और वेसिकल को ही कहते थैलाकॉइड और थैलाकॉइड इज प्रेजेंट इन ग्रैनम ग्रैनम याद रखिएगा थैलाकॉइड जो है वो ग्रैनम में प्रेजेंट है और ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ थैलाकॉइड और इन थैलाकॉइड द क्वांटाजोम आर प्रेजेंट अभी देखेंगे वो कहाँ पे होते ये हो गया एक थैलाकोइड एक और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट देख रहे हो तो इसे ही कहते हैं क्वांटाजोम्स क्वांटाजोम्स हम नेक्स्ट देखेंगे क्वांटाजोम में क्या होता है So this is the thylakoid present in a granum, and this portion we are zoom, or this arrangement of molecule is called quantasomes. Each thylakoid is covered by a thylakoid membrane containing Ultra microscopic units called क्वांटाजो so थैलाइड के अंदर जो molecular arrangement होती है small so उसे हम क्वांटाजोम्स कहते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वो arrangement कैसी है और द क्वांटाजोम्स वे आर फर्स्ट क्वेंड बास इन नाइनटीन सिक्सटी 1964 टू साइंटिस्ट नोटिस किए थे पहले क्वांटाज को पहली बार इन 1946 एंड क्वांटाजोम इज द फोटो सिंथिस यूनिट मेन यूनिट है ये फोटो का क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है और पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है वो लाइट सनलाइट आने पे ही एक्टिव होती है और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और इसमें ये रिएक्शन सेंटर है एट द सेंटर ऑफ द सेल रिएक्शन सेंटर आर प्रेजेंट इन क्वांटाजोम्स सेकेंड पिगमेंट सिस्टम पिगमेंट्स मीन्स क्लोरोफिल जो ऐसे इसेंशियल पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं सो इंक्लूडिंग वन पॉइंट इन स्ट्रोमा स्ट्रोमा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना मतलब ये अटैचमेंट का जैसे वाला स्ट्रक्चर इसे हम स्ट्रोमल लैमिला कहते हैं स्ट्रोमल लैमिना स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमल लैमिना और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रैट चैनल फार चैनल ग्रैनम में स्टाल थैलाकोइड और अप्रेस्ड मेम्ब्रेन और ग्रैनोल लैमिना होती है ये ये जो लाइन है इसे हम मरेन कहते हैं और ग्रैनुल लेमिना अप्रेस्ड मेमरेन में एटीपी सिंथेसिस अब्सेंट अपसेंट होता है ये रही अप्रेस्ट मेमरेन सिंथेसिस अपसेंट होता है इन ग्रैनुल लेमिना और अप्रेस्ट मेमरेन इन क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स जो होते हैं वो अलगल में होते हैं तो हमने इसमें देखा ग्रैनम का स्ट्रक्चर देखा ग्रैनम में थैलाकॉयड्स होते हैं और सेल को ओवरव्यू दे करके देखा थैलाकॉयड का स्ट्रक्चर देखा उसमें क्वांटाजम्स होते हैं क्वांटाजम्स को भी ओवरव्यू करके देखा उसमें रिएक्शन सेंटर होते हैं और पिगमेंट सिस्टम होती है और दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस